तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक गुल्ली बुल्ली इन मेला का पार्ट वन और पार्ट टू नहीं देखे हैं तो पहले आप जाकर उसे देख लें, वरना ये स्टोरी आपको पूरी तरह से समझ में नहीं आएगी। पिछली वीडियो में आपने देखा था कि आलोक मॉन्स्टर के ऊपर अपना जीप चढ़ा देता है, जिससे उस मॉन्स्टर की हालत खराब हो जाती है। और इधर बाबा रेड क्रिमिनल को होश में लाते हैं और फिर ये लोग मॉन्स्टर को वहीं पे छोड़कर मेला देखने के लिए जाने लग जाते हैं। तभी वो मॉन्स्टर फिर से हिलने लगता है। लगता है ये मॉन्स्टर अभी भी मरा नहीं है, कहीं ये मॉन्स्टर फिर से उठकर इन लोगों का पीछा ना करने लगे। वहीं पर बॉब और बक इन लोगों को मेला जाते हुए देख लेते हैं। और अब आगे की स्टोरी देखते हैं। बाबा अपने साथ सारे लोगों को लेकर मेले में पहुंच जाते हैं। मेले के पास पहुंचते ही ये लोग देखते हैं कि मेले के अंदर तो बहुत बड़े बड़े झूले लगे हुए हैं और तो और मेले के अंदर बहुत सारे खिलौने की दुकानें भी हैं। अरे ये क्या ग्रैंडपा इस मेले में क्या कर रहे हैं? अरे ये क्या, ये तो लगता है जेसन है। जेसन तो इस मेले में झूला लेकर आया है। अरे वाह, मेले में तो बहुत सुंदर सुंदर खिलौने भी बिक रहे हैं। लेकिन ये स्केरी टीचर थोड़े से खिलौने लेकर यहाँ पे क्या कर रही है? अरे ये तो झंडू अंकल है, लेकिन पता नहीं झंडू अंकल इस मेले में किस चीज का दुकान लगाए हैं। अरे ये क्या, इस मेले में तो सर्कस वाले भी आए हैं। गुल्ली बुल्ली सोन बाबा सारे लोग सर्कस देखने के लिए जाएंगे। अरे वाह, इस मेले में तो बड़ा वाला तारा माची भी है। ग्रेनी तो बच्चों वाले झूले लेकर आई है। अरे ये क्या, मिस्टर मीट भी इस मेले में झूले लेकर आया है। सारे लोग मेले को बाहर से ही देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। बाबा कहते हैं, अरे उस तरफ देखो, वहाँ पे पार्किंग है, चलो अब जीप को जल्दी से वहाँ पे लगा दो। बाबा की ये बात सुनकर आलोक गुल्ली बुल्ली की जीप को पार्किंग एरिया में लगा देता है और फिर सारे लोग मेला घूमने के लिए मेले के अंदर जाने लग जाते हैं। सारे लोग मेले के अंदर जल्दी जल्दी जाने लगते हैं क्योंकि इन लोगों को मेले में घूमना बहुत ज्यादा पसंद है। ये लोग मेले के अंदर जा ही रहे थे कि तभी ग्रैंडपा इन लोगों को रोक देते हैं। ग्रैंडपा कहते हैं, अरे रुको रुको, तुम लोग ऐसे अंदर कहाँ जा रहे हो? रॉड कहता है, अंदर मेला देखने जा रहे हैं, क्यों नहीं जा सकते हैं क्या? ग्रैंडपा कहते हैं, हाँ हाँ क्यों नहीं, लेकिन तुम लोगों को पहले टिकट लेना होगा। रॉड कहता है, हाँ तो इसमें दिक्कत वाली क्या बात है, लाइए टिकट दे दीजिए हमें, अब हम लोग टिकट लेकर ही अंदर जाएंगे। ग्रैंडपा कहते हैं, अरे हाँ हाँ टिकट तो मैं दे ही दूंगा, लेकिन टिकट के पैसे लगेंगे, टिकट फ्री में थोड़ी ना आता है। बुल्ली कहता है, हाँ तो ग्रैंडपा बताइए कितने रुपए देने होंगे? ग्रैंडपा कहते हैं, अरे ज्यादा नहीं, बस एक इंसान के 20 रुपए ही लग रहे हैं। ग्रैंडपा की ये बात सुनकर बुल्ली पीछे मुड़ता और बाबा से पैसे मांगने लगता है। बाबा लाइए जल्दी टिकट के पैसे निकालिए। बाबा कहते हैं, अरे बुल्ली तुम्हें पहले बताना चाहिए था ना, मैं तो अपने साथ 1 रुपए भी लेकर नहीं आया। बाबा की ये बात सुनकर बुल्ली दूसरे लोगों से कहता है, अरे लाओ तो तुम लोग ही टिकट के पैसे दे दो। बुल्ली के इस बात का कोई भी जवाब नहीं देता है। तभी सोन कहता है, अरे बुल्ली तुम किन लोगों से पैसे मांग रहे हो, ये लोग तो भिखारी हैं, चलो मैं ही दे देता हूँ सारे लोगों के टिकट के पैसे। सोन दौड़ते हुए टिकट काउंटर के पास जाकर खड़ा हो जाता है और ग्रैंडपा से कहता है, चलिए ग्रैंडपा निकालिए टिकट। ग्रैंडपा कहते हैं, हाँ लेकिन तुम लोगों को कितने पीस टिकट चाहिए, तुम लोग कितने लोग हो? ग्रैंडपा की ये बात सुनकर सोन रॉड से कहता है, रॉड थोड़ा गिनकर बताना कितने लोग हैं हम लोग। सोन की ये बात सुनकर रॉड सबको गिनने लग जाता है। रॉड सबको गिन लेता है और फिर सोन से कहता है, तुम्हें लगाकर कुल 8 लोग हैं हम लोग। अरे हाँ रॉड, लेकिन तुम्हारा बेटा चुन्नी कहाँ है, वो कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? सोन की ये बात सुनकर सारे लोग इधर उधर चुन्नी को ढूंढने लग जाते हैं। चुन्नी अचानक से कहाँ गायब हो गया, किसी ने भी नहीं देखा। ग्रैंडपा कहते हैं, अरे वो तो बच्चा है, उसका टिकट नहीं लगेगा, वो तो पहले ही अंदर चला गया है। अरे ये क्या, चुन्नी तो पहले ही मेले के अंदर चला गया और एक झूले पे झूल रहा है, लगता है चुन्नी को झूला झूलना बहुत ज्यादा पसंद है। चुन्नी जेसन के घोड़े वाले झूले पे घूमने में लगा है। तभी चुन्नी को देखकर सारे लोग झूले के पास आ जाते हैं। चुन्नी को झूले में झूलता देख ये लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। चुन्नी को देखते देखते इन लोगों का भी मन झूला झूलने का करने लगता है। अरे ये क्या, चुन्नी तो झूला से नीचे उतरने का नाम ही नहीं ले रहा है, बस घूमे ही जा रहा है, घूमे ही जा रहा है। चुन्नी की मस्ती को देखकर इन लोगों से रहा नहीं जा रहा है। अरे ये क्या, रेड और ग्रीन क्रिमिनल कहाँ जा रहे हैं? ये तो मिस्टर मीट के झूले की तरफ जा रहे हैं। रेड क्रिमिनल मिस्टर मीट से कहता है, हम दोनों को तुम्हारे इस झूले पे झूलना है, कितने रुपए लोगे हम दोनों को इस झूले में झूलाने का? मिस्टर मीट कहता है, अरे तुम लोग पागल हो गए हो क्या, ये झूला तो बच्चों का है, तुम लोग बड़े हो गए हो, तुम लोगों को मैं इस झूले पे नहीं झूलने दूंगा। तभी रेड क्रिमिनल कहता है, अरे नहीं नहीं अंकल, आप गलत समझ रहे हैं, हम लोग तो बच्चे ही हैं, मेरा तो अभी 8 साल ही हुआ है। मिस्टर मीट कहता है, हाँ तो लाओ जल्दी दिखाओ अपना आधार कार्ड। आधार कार्ड दिखाने वाला बात सुनकर ग्रीन क्रिमिनल कहता है, अंकल वो तो हम लोग नहीं लाए हैं। तभी मिस्टर मीट गुस्से में कहता है, भागते हो कि नहीं तुम दोनों यहाँ से, मैं क्या तुम लोगों को पागल दिख रहा हूँ? और इधर सोन जेसन से झूला रोकने को कहता है, लगता है अब सोन भी इस झूले पे झूलेगा। सोन की ये बात सुनकर जेसन झूले को रोक देता है और फिर सारे लोग घोड़े वाले झूले पे चढ़ जाते हैं और झूलने लगते हैं। अरे ये क्या, बाबा तो घोड़े के ऊपर खड़े होकर झूल रहे हैं, लगता है बाबा को झूला झूलने में डर नहीं लगता है। गुल्ली बुल्ली सोन आलोक और बाबा सबको झूला झूलने में बहुत मजा आता है। बाबा अपने साथ इन लोगों को मेला इसीलिए तो लेकर आए ताकि ये लोग मजे कर सके।
गुल्ली झूलते झूलते कहता है, अरे किसी को डर तो नहीं लग रहा है ना। सोन कहता है, अरे गुल्ली तुम्हें डर लग रहा है तो तुम दूसरे से पूछ रहे हो, किसी को भी डर नहीं लग रहा, ये तो बच्चों वाला झूला है। रॉड पीछे मुड़कर अपने बेटे को देखता है कि कहीं उसे चक्कर तो नहीं आ गया ना। ये लोग जेसन के झूले से उतरते ही तुरंत ही तारा माची के पास जाते हैं। बाबा कहते हैं, चलो जाओ, किसके पास पैसा है, जाकर टिकट लेकर आओ, मैं बिना इस झूले में चढ़े यहाँ से घर वापस नहीं जाऊँगा। बाबा की ये बात सुनकर बुल्ली टिकट लाने के लिए जाता है और फिर सारे लोग तारा माची में चढ़ जाते हैं और झूला स्टार्ट हो जाता है। तारा माची में झूलने में इन लोगों को बहुत ज्यादा मजा आता है और थोड़ा थोड़ा डर भी लगता है। अरे ये क्या रॉड ऐसे क्यों कर रहा है? ऊपर जाते ही रॉड अपना सिर नीचे कर देता है। लगता है रॉड इस झूले पे पहली बार चढ़ा है और उसे डर लग रहा है। लेकिन रॉड का बेटा चुन्नी तो एकदम मजे से झूले पे झूल रहा है। सोन रॉड को देखकर कहता है, बाबा लगता है रॉड को डर लग रहा है। सोन की ये बात सुनकर बाबा रॉड की तरफ देखते हैं और कहते हैं, क्या हुआ रॉड, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो, तुम्हें डर लग रहा है क्या? अगर तुम्हें डर लग रहा है तो बोलो, मैं इस झूले को रुकवा देता हूँ। तभी रॉड कहता है, हाँ बाबा थोड़ा सा डर लग रहा है जब ऊपर से नीचे जाते हैं ना तब। रॉड की ये बातें सुनते ही आलोक की हंसी निकल जाती है। तभी बाबा आलोक को डांटते हैं और कहते हैं, आलोक ऐसे हंसो मत, हमें किसी का भी ऐसे मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। तभी बुल्ली कहता है, हाँ बाबा लेकिन देखिए ना, चुन्नी को तो जरा सा भी डर नहीं लग रहा है। थोड़ी देर झूला झूलने के बाद ये लोग झूले से नीचे उतर जाते हैं और फिर ये लोग सोचने लगते हैं कि अब कौन सा झूला झूला जाए। तभी चुन्नी उस तरफ इशारा करता है, देखिए उस तरफ एक झूला है। अरे ये क्या, ये तो रोलर कोस्टर है, रास्ते में ये लोग इसी झूले के बारे में बात कर रहे थे। रोलर कोस्टर को देखते ही आलोक कहता है, हाँ हाँ मुझे भी चढ़ना है उस झूले पे, जल्दी चलो। फिर सब लोग रोलर कोस्टर की सवारी करते हैं जिसमें इन लोगों को सबसे ज्यादा मजा आता है। रॉड और सोन सबसे आगे वाले डब्बे में बैठते हैं और बीच वाले में गुल्ली बुल्ली और रोलर कोस्टर के सबसे पीछे वाले डब्बे में बाबा चुन्नी और आलोक बैठ जाते हैं। अरे ये झूला तो बहुत ही अजीब है, कभी ये ऊपर जाता है कभी नीचे, और उतना ही खतरनाक, अगर किसी ने अपना हाथ छोड़ दिया तो पता नहीं वो कहाँ जाकर गिरेगा। बाबा चुन्नी से कहते हैं, क्यों चुन्नी तुम्हें इसमें डर तो नहीं लग रहा है ना? चुन्नी बाबा से कहता है, नहीं बाबा मुझे डर नहीं लग रहा है, मुझे तो इसमें बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। अरे ये क्या, ये तो बनी है, लेकिन ये सर्कस वाले टेंट के ऊपर क्यों खड़ा है और बनी अपने हाथ में गन क्यों लिया हुआ है? अरे ये क्या, ये तो जेफ द किलर है, जेफ द किलर यहाँ पे क्या कर रहा है? अरे नहीं, ये तो किसी को जान से मारने के लिए कह रहा है। और इधर रेड और ग्रीन क्रिमिनल बैलून के ऊपर निशाना लगाने में लगे हुए हैं और बनी टेंट के ऊपर खड़े होकर सबको देख रहा है। आखिर जेफ द किलर बनी को मेले में किसे मारने के लिए कह रहा है? ये लोग मेले में किस लिए आए हैं? अरे नहीं, बनी ने तो रेड क्रिमिनल को गोली मार दिया। ये सब क्या हो रहा है, बनी ने रेड क्रिमिनल को गोली क्यों मारा? और यहाँ पे वो जंगल वाला मॉन्स्टर भी आ गया। पता नहीं अब मेले के अंदर क्या होगा। बाबा रॉड गुल्ली बुल्ली सारे लोग तो अभी भी झूला झूलने में ही लगे हुए हैं और सारे लोग मेले के अंदर चारों तरफ से घिर चुके हैं। पता नहीं जेफ द किलर मेले में और क्या क्या करेगा। आपको क्या लगता है क्या होने वाला है आगे, ये सब हम लोग देखेंगे पार्ट 4 में। पार्ट 4 देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें। और ये रहे पिछले वीडियो के कमेंट्स, अगर आपका नाम इसमें नहीं आया है तो इस वीडियो के नीचे जाकर कमेंट कर दें।